दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी सरकार की पोल एक बार फिर से खुल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 सालों से शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित दिल्ली एमसीडी की करोड़ों की धनराशि रोक रखी है, जबकि मजे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही सबसे अधिक काम करने का दावा करते हैं, लेकिन एमसीडी का शिक्षा और स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ बजट उन्होंने 2 साल से रोक रखा है। गौरतलब है कि दिल्ली एमसीडी में भाजपा का कब्जा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर 2 साल से लंबित शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित एमसीडी की 383.74 करोड़ रुपए की राशि जारी करने को कहा है। सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा है कि विधानसभा द्वारा पहले ही पारित इस राशि को बिना किसी वजह रोके जाने से दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उपराज्यपाल ने चिट्ठी में आगे लिखा है कि एमसीडी का यह फंड शिक्षा और स्वास्थ्य मद से जुड़ा हुआ है, जो पिछले 2 साल से नहीं दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि एमसीडी आम जनता से जुड़े कई कार्य करती है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, सड़कों और पार्कों का रखरखाव शामिल है। इसीलिए जल्द से जल्द यह फंड रिलीज किया जाए। उपराज्यपाल ने लिखा है कि मेरी जानकारी में आया है कि एमसीडी का साल 2020-21 और 2021-22 का 383.74 करोड़ रुपए बकाया है, जो शहरी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य मदों का है। यह फंड स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, सड़क, फुटपाथ जैसे निर्माण कार्यों और उनके रखरखाव के लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि उपराज्यपाल बनने के बाद से ही विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की आप सरकार के बीच तकरार बनी हुई है। इससे पहले उपराज्यपाल की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं को लीगल नोटिस भेजा गया था। उपराज्यपाल की तरफ से आजसी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जसमीन शाह को लीगल नोटिस भेजा गया था। दिल्ली विधानसभा सेशन के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया था कि खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते हुए विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर गलत तरीके से पुराने नोटों को नए में बदलवाया गया और इसमें 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन बाद में एलजी की तरफ से भेजे गए नोटिस में इस पर आपत्ति जाहिर की गई थी। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी सरकार इस समय शराब घोटाले में फंसी हुई है, जिसके लिए जांच के आदेश उपराज्यपाल ने ही दिए थे, लेकिन आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार को नई आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी। आम आदमी पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस घोटाले में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।